हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिता करकोली, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डेकोरेट ए स्मॉल रूम। हमारा पहला पॉइंट है लाइट कलर वॉल्स। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि छोटे रूम्स के लिए हमेशा ठीक रहता है कि हम हल्के रंगों को चूज करें। जो लाइट कलर्स हैं वो हमारे रूम को बड़ा दिखाने में हमारी हेल्प करते हैं, और साथ ही लाइट कलर से हमें एक शांति का अनुभव होता है, पीसफुलनेस महसूस होती है, और ये सूदिंग एनवायरनमेंट हमें देते हैं। सेकंड पॉइंट है बेड। जब हम बात करते हैं किसी बेडरूम की तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा बेड। तो हमें बेड को चूज़ करते हुए भी कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, जैसे बेड साइज हमें अकॉर्डिंग टू आर जो रूम साइज है वो लेना चाहिए। ओवर साइज ये ना लगे इंटीरियर्स में, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो बेड साइज कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा अगर लें तो ठीक रहेगा, बहुत बड़ा हमें नहीं लेना। एक सजेशन इसमें और रहेगा कि बॉक्स बेड बनवाइए छोटे रूम के लिए, बिकॉज ये इसमें काफ़ी स्टोरेज स्पेस हमें मिल जाता है। तो हमारा रूम में और कहीं हमें इतना ज़्यादा बहुत बड़ी स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट इज बेड साइड टेबल्स। बेड के साथ में जो दोनों तरफ हमारे साइड टेबल्स आते हैं उन्हें अगर हम प्रॉपरली उस तरह से बनाएं कि हमें इसमें फ्लोर माउंटेड नहीं लेने हैं, हम इन्हें वॉल से सपोर्ट करेंगे, वॉल माउंटेड हम बनाएंगे। हमारा इसमें एक फंडामेंटल होता है इंटीरियर में कि जितना अगर हमें फ्लोर दिखता है वो हमारे लिए अच्छा है, वो रूम को बड़ा दिखाने में हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए फ्लोर माउंटेड नहीं लेके हम वॉल माउंटेड साइड टेबल्स रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टीवी। वैसे अगर हम बात करते हैं स्मॉल रूम की तो बेसिकली हमें अवॉइड करना चाहिए टीवी इस रूम में रखने से, बट फिर भी अगर आपको आदत है रात को टीवी देखने की तो आप रख सकते हैं, लेकिन इसको आप वॉल माउंटेड टीवी ही लेंगे। आजकल ट्रेंड में भी है ये टीवी आजकल, और ये स्पेस भी कम खर्च करने देते हैं, तो इस तरह से हमारा स्पेस सेव होता है। तो आप वॉल माउंटेड टीवी लें जो कि वॉल्स पर आ जाते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी टेबल। स्टडी टेबल अगर आपको बुक्स का शौक है तो बहुत अच्छा है, और उसके लिए सिर्फ आपको करना ये है हमारे स्मॉल रूम को ध्यान में रखते हुए कि आप एक कॉम्पैक्ट स्टडी टेबल लें। ये एक ओवर साइज़ नहीं होना चाहिए, रूम के अकॉर्डिंग आप साइज़ का ध्यान रखें, स्टडी टेबल के कॉम्पैक्ट ले लें। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि बिकॉज आपको रीडिंग के वक्त आपको प्रॉपर लाइटिंग भी चाहिए, तो लाइटिंग के लिए आप जैसे टेबल लैंप हम यूज़ करते हैं या फिर कई बार हम फ्लोर माउंटेड लैंप्स भी यूज़ करते हैं, हमें ये दोनों पॉइंट्स को अवॉइड करना होगा। हमें फ्लोर माउंटेड लैंप भी नहीं रखना है और हमें टेबल लैंप भी यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दिस हम वॉल माउंटेड एक लाइट लगाएंगे, जैसे कि अगर हम ओवरहेड इसके ऊपर ले सकते हैं उसमें हम पेरमिट लगा के इस लाइट को हाइड कर सकते हैं, या वॉल से लाइट लीजिए और वो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज अलमीराज। तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल रूम्स, तो इसमें हमारी थोड़ी रेस्ट्रिक्शन हो जाती है कि अलमीरा हम बहुत बड़ी नहीं ले सकते, हमें विड्थ उसकी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखना होगा, उसको उतना हम बड़ा नहीं कर सकते हैं, बट हमारे पास हाइट तो है ही, तो हाइट में हम इसको ज़्यादा कर लेंगे, टिल द सीलिंग हम इसको लेके जा सकते हैं। और इसमें हमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी रहता है, बेनिफिट है हमारा, कि अगर हम हाइट बढ़ा रहे हैं तो हमारा रूम बड़ा दिखता है, बिकॉज इससे हमारी हाइट बढ़ जाती है तो हमारे जो अटेंशन है, जो भी रूम में कोई एंटर करता है तो उसकी अटेंशन जाती है सीलिंग की तरफ, तो उससे हमें हाइट बड़ी हाइट महसूस होती है, और इस तरह से रूम भी हमारा बड़ा लगता है। तो आप इसमें हाइट को बड़ी कर सकते हैं, सीलिंग तक आप ले लीजिए इस हाइट को। और इसके साथ ही जो एसोसिएटेड एक और पॉइंट है ओपन सेल्फ्स, कि स्मॉल रूम की बात कर रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप कुछ स्मॉल सेल्फ्स भी आप इसमें कुछ बनवा लें जो कि आपके लिए कुछ डेकोरेटिव पीसेस का भी आप रखने का काम करेगी, और कुछ स्टोरेज स्पेस तो ये छोटा सा है वो आप ध्यान दें इसका। नेक्स्ट पॉइंट इज फोटो फ्रेम्स। अगर आपको आपको लगता है कि हमें रूम में कुछ फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह रखना चाहिए, तो इसके लिए बेसिकली आपको अवॉइड करना होगा फ़ोटोज़ को कुछ टेबल पर या इस तरह से बेड हेड पर रखने का। आप उसको बेटर रहेगा कि आप उसको एक कोलाज की तरह से फ़ोटोज़ को इकट्ठा करके वॉल पर आप डेकोरेट करें, इससे आपकी वॉल भी डेकोरेट हो जाती है और रूम के इंटीरियर को हम एनहेंस करते हैं, इसकी ब्यूटी को हम एनहेंस
तो हमारे दोनों पर्पज सॉल्व हो गए कि हमें फ़ोटोज़ भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं अपने, बट हम अपना एक्स्ट्रा स्पेस भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लटर फ्री रूम। ये इस पॉइंट पे एक ये हमारे पूरे घर के लिए ही है पॉइंट, बट स्मॉल रूम की बात करें तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें जो सारे हमारा जो रूम है उसको क्लटर फ्री रखना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम इसको यूज़ करें, अपने स्पेसेस को और जो भी सामान है ऑर्गेनाइज करके रखें, जिससे सामान अगर सारा हमारा अलमीराज के अंदर चला जाता है, जो कि कुछ ओपन सेल्स हैं उनको वहाँ पर हम अपना जो भी डेकोरेटिव पीसेज रख रहे हैं, यानी जो जिस चीज़ की जो जगह है हम उसको वहीं पर रखते हैं और फैला के नहीं रखते, तो इससे हमारा रूम और ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है और इससे हमारा खुला खुला स्पेस दिखाई देता है, बड़ा लगता है इससे। तो ये थे आज के हमारे कुछ एक्सपर्ट टिप्स, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन होता है उसको आप प्रेस भी कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे नोटिफिकेशन मिस ना करें, हमारे वीडियोज़ को आप टाइम टाइम पर आपको मिलती रहेगा। थैंक यू।